आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी। आखिरकार फाइनल हो गई है एक बड़ी डील और टाटा ग्रुप ने टेमासेक से टाटा प्ले में उसकी हिस्सेदारी बायबैक कर ली है। टाटा ग्रुप ने देश की सबसे बड़ी डीटीएच कंपनी टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर अब 70% कर दी है। ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ने टाटा प्ले में सिंगापुर की कंपनी टेमासेक की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली है। अब तक टाटा प्ले में टेमासेक की 10% हिस्सेदारी थी, जिसे टाटा सन्स ने $100 मिलियन यानी 835 करोड़ रुपए में खरीदा है, जिसके बाद टेमासेक अब टाटा प्ले से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। हालांकि बड़ी बात यह है कि डीटीएच जाइंट की वैल्यू $1 बिलियन आंकी गई है, जो इसके पिछले $3 बिलियन के वैल्यूएशन से काफी कम है। ये डील टाटा ग्रुप के लिए बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमरेट माने जाने वाले ग्रुप के पास मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में ये इकलौती कंपनी है। सूत्रों की माने तो 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ देश की सबसे बड़ी डीटीएच फर्म माने जाने वाली टाटा प्ले ने अपनी इस डील की जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को दी है। हालांकि फिलहाल दोनों ही कंपनियां इस डील को लेकर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही हैं। वैसे टाटा प्ले में सिर्फ टेमासेक की नहीं, वॉल्ट डिज्नी की भी हिस्सेदारी है। कंपनी में वॉल्ट डिज्नी का 30% स्टेक है और टाटा प्ले से टेमासेक की विदाई के बाद अब यह कंपनी टाटा और डिज्नी के बीच का एक ज्वाइंट वेंचर बन गई है। हालांकि यहां भी एक पेच है, माना जा रहा है कि वॉल्ट डिज्नी भी टाटा प्ले से अपने हाथ पीछे खींच सकती है। दरअसल खबरों के मुताबिक टाटा सन्स और वॉल्ट डिज्नी के बीच हिस्सेदारी को लेकर बातचीत चल रही है। टेमासेक की विदाई के बाद फिलहाल कंपनी में टाटा सन्स की 70% और वॉल्ट डिज्नी की 30% की हिस्सेदारी है और इस 30% स्टेक को भी टाटा सन्स खरीदना चाहती है, जिसके बाद इस कंपनी से डिज्नी की भी विदाई हो जाएगी। US एंटरटेनमेंट फर्म वॉल्ट डिज्नी का कहना है कि उनकी इस साझेदारी से बाहर आने के पीछे की वजह यह है कि DTH डिज्नी के लिए एक नॉन कोर बिजनेस है, इसलिए कंपनी भी टाटा प्ले से बाहर निकलने की पॉसिबिलिटीज तलाश रही है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी IPO के जरिए कम करना चाहती थी। सेबी ने मई 2023 में टाटा प्ले के IPO को मंजूरी भी दी थी, लेकिन बाजार की चाल और डीटीएच इंडस्ट्री की चुनौतियों को देखते हुए IPO लाने के प्लान को उस समय पोस्टपोन कर दिया गया था। टाटा प्ले ने डीटीएच मार्केट में अपने पांव जमाने के बाद OTT में भी कदम रखा था। टाटा प्ले ने अक्टूबर 2022 में अपने सभी ग्राहकों के लिए OTT कंटेंट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म टाटा प्ले बेंच लॉन्च करके OTT की दुनिया में भी ग्रैंड एंट्री की थी। टाटा प्ले ब्रॉडबैंड में FY22 में 455 करोड़ और वित्त वर्ष 2023 में 209 करोड़ रुपए की इक्विटी लगाई थी। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी के ब्रॉडबैंड बिजनेस का रेवेन्यू 49% बढ़कर 260 करोड़ रुपए हो गया था, लेकिन इसका शुद्ध घाटा यानी नेट प्रॉफिट 16% कम होकर 124 करोड़ रुपए हो गया था। ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2022 में टाटा प्ले का कस्टमर मार्केट शेयर 33% से घटकर 32.43% हो गया था, जबकि इसका कस्टमर बेस 65.58 मिलियन से घटकर 64.18 मिलियन हो गया था। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।